खबर रीवा से है, जहां पूर्व में की गई घोषणा के अनुसार आप पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला के आवास का घेराव किया। हालांकि पहले से मुस्तैद पुलिसकर्मियों ने आप पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया, जिन्हें बाद में जमानत देकर छोड़ा गया है। आपको बता दें कि सर्किट हाउस में किशोरी के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में कमरा नंबर 4 का रहस्य आज भी बरकरार है। आज भी पुलिस प्रशासन यह बताने में असफल है कि सातिर अपराधी विनोद पांडे के नाम से किसके कहने पर सर्किट हाउस का कमरा नंबर 4 अलॉट किया गया था। अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए पुलिस जांच की बात कहकर पल्ला झाड़ रही है, तो वहीं आप पार्टी लगातार कमरा अलॉट कराने वाले और किसके निर्देश पर कमरा अलॉट हुआ उनके नाम की घोषणा करने के साथ साथ ही इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है। आइए दिखाते हैं आप पार्टी का विरोध और सुनाते हैं जिलाध्यक्ष प्रमोद शर्मा को कि उन्होंने क्या मांग की है, साथ ही किए गए प्रदर्शन के संबंध में नायब तहसीलदार रितेश शुक्ला ने क्या कहा। उठाने का इनके से दुष्कर्म ना करें, इसीलिए मैं अपने सभी साथियों से अनुरोध करूंगा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये आम आदमी पार्टी होश में आए और बिसाहू लाल जी बताएं कि कमरा किस चार है। एसडीएम जो है हुजूर अरुणाग तिवारी जी को जो है निलंबित किया जाए इस बात के, क्योंकि उनके द्वारा जानते हुए विनोद पांडे को जो है अपराधी को कमरा दिया गया था। धन्यवाद। ये आम आदमी पार्टी की रीवा इकाई के द्वारा पर आज यहाँ पर सिमौ चौराहे के पास से धरना प्रदर्शन किया गया था। उसी धरना प्रदर्शन को लेकर के उन्होंने अपना ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है और साथ में सामूहिक गिरफ्तारी भी दी है, तो वो गिरफ्तारी सांकेतिक रूप से कर ली गई होगी। एसडीएम की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एसडीएम गिरफ्तारी की बात नहीं कर रहे हैं, वो मामले की कार्यवाही की जो जाँच चल रही है उसी कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। मामले में जो भी कार्यवाही है पुलिस और प्रशासन अपने स्तर पर कर रहा है। नहीं, सीएम ने जांच की कार्यवाही के निर्देश दिए थे सीएम साहब ने मंच से, वो जांच कार्यवाही पुलिस के द्वारा और जिला प्रशासन के माध्यम से की जा रही है। जो भी लोग उसमें सामने आ रहे हैं उनकी गिरफ्तारी करके न्यायिक जाँच उसमें की जा रही है। अब वो उनका धरना प्रदर्शन है, वो अपना नाम जिसका भी ले रहे हैं। ये लगभग अभी संख्या में 50 लोग दिख रहे हैं, 50 लोगों की लगभग गिरफ्तारी यहाँ पर की गई। ये आम आदमी पार्टी की रीवा इकाई के लोग हैं।